देखो ज़्यादा नहीं है ना दिक्कत इसको बनाना, अगर इसकी बात करो आप तो ये जो शेप है ना, तो इसको करने के लिए, और मैं मेज़रमेंट में तो नहीं करूँगा इधर पे, मेज़रमेंट में तो मैं आपको बता शेप बनेगा कैसे, फिर आप उसको मेज़रमेंट में कर लेना ठीक है। ये शेप बनता कैसे है, बनाता कैसे हो, बना कैसे सकते हो तो मैं बता देता हूँ। तो जैसे आपका कोई भी एक शेप है, लाइक दिस, अभी इसकी इस साइड भी चाहिए, इस साइड भी चाहिए, दोनों साइड चाहिए आपको, तो दोनों साइड चाहिए। तो इधर मैं पहले तो सेगमेंट ऐड कर लेता हूँ। सेगमेंट के लिए मैं यहाँ पर रिंग किया, फिर राइट क्लिक, फिर कनेक्ट करते हैं, फिर दो लिया मैंने या तीन लिया, फिर जितना मुझे चाहिए दोनों साइड से उतना थिकनेस में, वहाँ तक मैंने, यस। फिर इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये कर लेता एक्सट्रूड, जितना चाहिए मुझे उतना मैं ले लेता हूँ ठीक है। लाइक दिस, फिर मैं पीछे वाले को, इसको और इसको, इसको जितने भी पीछे वाले हैं इतने पार्ट को थोड़ा सा मैं एक्सट्रूड और कर देता हूँ। एक्सट्रूड इधर भी चेंज करता हूँ इसको, इधर भी ऑप्शंस होते हैं, एक जिसको बोलते हैं हम लोग लोकल, लोकल वाले लिया मैंने, तो एक बार मैं इसको देखता हूँ स्मूथ करके कि कैसा आ रहा है। मैं तो बढ़ा तो दिया उतने सारी चीज़ें, तो एक बार मैं इसे स्मूथ करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो चलो समय आ गया, अभी मुझे है थोड़ा सा इधर पे ज़्यादा स्मूथ हो रहा है इस जगह से, मेरे को इधर पे थोड़ा सा अंदर चाहिए था इनसाइड। तो मैं क्या करूँगा, एक तो सेगमेंट और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको करता हूँ माइनस। तो ये है, शोकेस ऑन करके देखते हैं हम लोग, इसको कर देता हूँ माइनस ठीक है। तो मैं इसके अंदर सेगमेंट ऐड करता हूँ और यहाँ पर रिंग करता हूँ एंड सेगमेंट्स, दो सेगमेंट लेते हैं, थोड़ा साइड बाय साइड लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस, अभी बोले कि यहाँ से ज़्यादा राउंड हो रहा है तो इधर पे ये जो सेगमेंट्स है इसका और इसका सेगमेंट, तो इसको भी हम लोग खेल सकते हैं। कनेक्ट करता हूँ, अरे रिंग कर लो पहले, रिंग करने के बाद फिर करते हैं कनेक्ट। फिर कनेक्ट करने के टाइम पे इधर पे सिंगल ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं, तो सिंगल लेने के बाद ना फिर मैं आप इसको, मैं इसको नहीं, नीचे वाले को इसको लेता हूँ, इधर देखो, इधर लेंगे तो देखो सीधा होता जाएगा, ऐसे करो तो ये होता जाएगा। तो जितना मुझे चाहिए हल्का सा ही, तो उतना सा ही मैं लेके, लाइक दिस, देखो ऐसा कुछ बना सकते हो। जैसे नीचे अभी फ्लैट चाहिए मुझे, तो इसको लिया और रिंग किया और राइट क्लिक करता हूँ, फिर कनेक्ट करता हूँ, फिर इसको यूज़ करूँगा, इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ, उधर नीचे फ्लैट होने लगा, चलो गया तो फ्लैट हो गया, देखो कैसा शेप बन गया हमारे पास, कुछ आ गया इस टाइप का शेप बन गया, कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ है वो भी।
कहाँ था? पीडीएफ ऑलमोस्ट ऐसी कुछ है। ये मेरा क्या थोड़ा थिक बन गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी मोटा लिया था। साइज तो थोड़ा थिक बन गया है, तो मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ लाइक दिस। तो पतला बन गया, तो बोलेगा अभी तो ये पतला तो हो गया है, मुझे कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो थोड़ा सा लाइक हाँ। अब इसके अंदर एक और चीज़ देखेंगे, जैसे कि अभी बीच में भी एक और चीज़ आ रही है, जैसे कि यहाँ पर इस साइड भी ये जो हो रहा है पतला सा एक आ रहा है, ये जो है जो भी है, तो उसको ही बनाना है। तो वो छोटी सी चीज़ है, तो उसको मैं स्केल डाउन करता हूँ ओवरऑल। लाइक दिस, जहाँ तक मुझे चाहिए। मिलेगा तो अभी बोलोगे ये तो चलो बन तो गया है, मगर अभी इसको अंदर ले लिया। बोले अभी इस साइड का क्या? तो हम लोग इधर भी क्या कर सकते हैं, एक एक चीज़ होती है सिमेट्री, तो सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं। सिमेट्री का जो ये पॉइंट होता है मिरर वाला पॉइंट, उसको मैं यूज़ करूँगा। ये नहीं, इसको फ्लिप कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर इसको रख दिया लाइक दिस। देखो इस साइड का पतला सा बन गया, तो सेम इसी तरह से हम लोग इसको भी और पतला करना चाहते हैं तो वैसे ही कर सकते हैं। सिमेट्री और भी पतला करना है तो वो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो अभी इतना सा पार्ट देखो तो आपको सेम वैसे मिल जाएगा। अब बोले बीच में से एक ग्रू आ रही है बीच में, तो ग्रू को कैसे क्रिएट करें? तो ग्रू के लिए आपको बीच में वो बनाना पड़ेगा, सेगमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, सेगमेंट डालने पड़ेंगे। तो सेगमेंट डालोगे तो अलग से ग्रू आ जाएगा आराम से। तो सेगमेंट डालने का तो क्या है, सीधा सेंटर में सेगमेंट डालो, ग्रू कर दो, रिंग किया और सॉरी रिंग रिंग किया और कनेक्ट। कितना चाहिए सेगमेंट्स? दो तीन सेगमेंट्स चाहिए, और इसको मेरे को ऐसे करना है, काफ़ी ही बीच में लेके आना है 100% लाइक दिस। और जो ये वाला पार्ट है सामने वाला सेगमेंट्स, इसको मेरे को करना है अंदर की तरफ लाइक दिस। तो ऐसे एक ग्रूव बन जाएगा। सेम इसके अंदर भी ग्रूव बनाना है, तो इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो इधर पे फिर पीछे आना पड़ेगा मुझे, थोड़ा दिक्कत हो गया मामला मेरा। इधर पे आते हैं तो सेगमेंट पहले से रेडी है, एडिट पॉली करते हैं। इसको इधर किया, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको चैम्फर कर लेता हूँ। चैम्फर करने के बाद एक और सेगमेंट ऐड, चैम्फर फाइन। फिर सेंटर का जो सेगमेंट्स है वो ले लेता हूँ, ठीक है। सेंटर से मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा है, चैम्फर ये वाला सेलेक्ट, इसको कर लेते हैं अंदर। अभी देखेंगे इसका भी आपको ग्रू दिखेगा लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर जो भी मटेरियल आपको देना है, जो भी आपका मटेरियल है मटेरियल डाल दीजिए।
डाउनलोड में जाके मैप्स ले लिया, असाइन कर लिया। अप्लाई कर लिया, फिर ओवरऑल यू पे मैप कर लो। लाइक दिस। अब बोलेगा थोड़ा सा बम्पी लुक चाहिए मुझे, थोड़ा ग्लॉसी लुक चाहिए, तो हल्का सा उसको चमक दे दो, रिफ्लेक्शन बढ़ा लो पहले, फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद थोड़ा सा अगर रफ, क्योंकि 100% ग्लॉसी होता नहीं, रफ होता ना वेलवेट, उसका चमक जो होता है रफ होता है, तो रफ करने के लिए आपको इसको इस तरह से करना होगा। थोड़ा सा बम्पी लुक चाहिए, तो बम्प के लिए आपको बम्प में जाना होगा, मैप में जा सकते हो, इधर पे इसको बम्प में डाल देते हैं, टेक्सचर्स इंस्टेंस एंड थोड़ा देखो थोड़ा उठा हुआ आ जाएगा, थोड़ा इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 80 कर लेता हूँ। यहाँ देखो थोड़ा सा अभी ऊपर ऊपर आ गया, थोड़ा सा उठा हुआ आ गया एल जो है इफेक्ट, तो इसको लाइक दिस। बस फर्स्ट क्लास ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे बना सकते हो इस तरह का, अगर आपको बनाना है हेडबोर्ड तो क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी आ जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो।